करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि टॉप 5 टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर्स, तो एज ऑफ माई लास्ट नॉलेज अपडेट इन सेप्टेम्बर 2021, देयर आर 5 ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स। प्लीज नोट दैट देयर मे हैव बीन फर्दर एडवांसमेंट सिंस देन। जहाँ तक मेरा नॉलेज है सेप्टेम्बर 2021 तक के, कि ये जो लेटेस्ट 5 टेक्नोलॉजी है, इसके बाद मतलब ये जो लेटेस्ट 5 टेक्नोलॉजी कंप्यूटर फील्ड में, इसके अलावा भी और अचीवमेंट हुए होंगे बाद में। तो आइए ये जो है 5 टेक्नोलॉजी उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ, स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वांटम कंप्यूटिंग, नंबर 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग AI ML, नंबर 3 एज कंप्यूटिंग, नंबर 4 5G टेक्नोलॉजी और नंबर 5 ब्लॉकचेन। तो ये से 5 जो है टॉप 5 टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा, बाद में आप इस पर रिसर्च करिए, डिटेल इसका निकालिए। क्वांटम कंप्यूटिंग, कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, आप आजकल देख रहे हो AI और मशीन लैंग्वेज, एज कंप्यूटिंग, 5G वायरलेस टेक्नोलॉजी के लिए और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग जो है रिलेटेड टू क्वांटम कंप्यूटर्स है, लिवरेज द प्रिंसिपल ऑफ अ क्वांटम मैकेनिक्स टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस। दे हैव द पोटेंशियल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स दैट आर करंटली इंट्रेसेबल फॉर क्लासिकल कंप्यूटर्स, सच एज ब्रेकिंग इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, ऑप्टिमाइजिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स एंड सिम्युलेटिंग क्वांटम फेनोमेना। तो आप ध्यान रखिए कि ये जो है यहाँ पर जितने भी मैकेनिक्स क्वांटम मैकेनिक्स के जो कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन है उसको परफॉर्म करने के लिए जो है इस कंप्यूटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। उसके आगे हम देखेंगे नंबर 2 पर AI एंड ML। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आज देख रहे हो आप, AI का ज़माना है, ChatGPT वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। AI एंड ML टेक्नोलॉजीज कंटिन्यूज टू इवॉल्व रैपिडली, इसके बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं डे बाई डे। AI रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ अ सिस्टम दैट कैन परफॉर्म टास्क रिक्वायरिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस। जैसा हमारा इंटेलिजेंस है उसी तरह से जो है कंप्यूटर भी अपने इंटेलिजेंस से क्वेश्चन आंसर आजकल दे रहा है, दिखा रहा है, बना रहा है, कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें इसके थ्रू हो रही है। मशीन लर्निंग फोकसेस ऑन द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम टू लर्न एंड इम्प्रूव फ्रॉम एक्सपीरियंसेस विदाउट बीइंग, जैसे हम क्या करते हैं और डे बाय डे जो भी देखते हैं, आंखों से देखते हैं, सुनते हैं, तो हम लोग सीखते जाते हैं। इसी तरह से ये मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, तो ये कहाँ यूज होता है? दिस टेक्नोलॉजीज आर बीइंग अप्लाइड इन वेरियस फील्ड्स लाइक इंक्लूडिंग हेल्थ केयर सिस्टम, जो है फाइनेंस है, ऑटोनोमस व्हीकल्स हैं और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। उसके बाद में जो है थर्ड पर जो आपका एज कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग के अंदर में जो है वो ये क्या करता है, जितने भी आपके मैक्सिमम जो प्रोसेसिंग है उनको एनालाइज करना है डेटा को एट द एज ऑफ द नेटवर्क। क्या होता है आजकल हम जो है नेटवर्क यूज़ करते हैं और नेटवर्क के थ्रू ही डेटा जो है ट्रांसफर हो रहा है, आ रहा जा रहा है हमारा, तो ये वहाँ यूज होती है। रैदर देन रियलाइंग ऑन अ सेंट्रलाइज क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस अप्रोच रिड्यूसेस लेटेंसी, एनहांसेस रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग एंड एड्रेस बैंडविड्थ कंस्ट्रेंट। एज कंप्यूटिंग इज अ क्रूशियल फॉर एप्लीकेशन दैट रिक्वायर इमीडिएट रिस्पॉन्स सच एज इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस, ऑटोनोमस व्हीकल एंड स्मार्ट सिटीज। ये इसका जो है इसको आप डिटेलिंग निकालिए, ज़्यादा रिसर्च करिए। 5G टेक्नोलॉजी, आप तो आज 5G के ज़माने में जी रहे हो, आपको जो है 5G अभी अवेलेबल हो गई है, वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसको 5G के नाम से जाना जाता है। फास्टर स्पीड आपका वायरलेस नेटवर्क है, लोअर लेटेंसी के अंदर में है और आपका हायर नेटवर्क कैपेसिटी रहेगी इसके अंदर में, आपकी स्पीड ज़्यादा रहेगी। आपने 4G LTE सुना है। 5G enables seamless connectivity between devices and supports emerging technologies like autonomous vehicles, virtual reality and the internet of things. ये भी वही यूज होगी, अभी जो 5G हम लोग यूज़ कर रहे हैं, आप अपने मोबाइल पर 5G यूज़ कर रहे हो। ब्लॉकचेन का आपने बहुत नाम सुना होगा। ब्लॉकचेन इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रांजेक्शन विदाउट द नीड फॉर इंटरमीडिएट, एज इट इज इट हैज गेन सिग्निफिकेंट अटेंशन बियॉन्ड इट्स एसोसिएशंस विद क्रिप्टोकरेंसी। जैसे बिटकॉइन के बारे में आपने नाम, बिटकॉइन के नाम सुना होगा आपने। ब्लॉकचेन हैज एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज सच एज फाइनेंस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जहाँ पर जो है एक चीज़ कहाँ से बनी, फिर कहाँ गई, फिर उसके आएगा जैसे कि आपको ट्रैक करना रहा उसके लिए, हेल्थ केयर एंड डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, जहाँ पर डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन जो है वो यूज़ होती है वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया था ब्लॉकचेन का। तो ये थे हमारे 5वीं, तो आप नोट कर लीजिए। प्लीज नोट दैट द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, मतलब इसमें चेंजेस हो रहे हैं, डे बाई डे चेंजेस होते रहते हैं, एंड देयर मे बी न्यू डेवलपमेंट बियॉन्ड
व्हाट इज लिस्टेड हियर, मैंने जो आपको सामने रखा है इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें आएंगी। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू रेफर टू द लेटेस्ट सोर्स एंड रिसर्च फॉर द मोस्ट अप टू डेट इंफॉर्मेशन। तो ये मेरा रिसर्च था सितंबर 2021 तक की जो मैंने आपके सामने रखा हूँ, आप इसको ढूंढिए, नोट डाउन करिए और आगे जो क्या करना है उसमें देखिए आप। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कॉन्टैक्ट करिए, कोई क्वेश्चन होगा तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मेरा ईमेल एड्रेस है। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है हमारा वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।